Dear students, today I am going to continue your next video from chapter 8, body movements. बच्चों इससे previous videos में we have already learned about the movements in cockroach, movements in earthworm. Today we are going to talk about movements in snail. Okay children, what is snail? Snail के बारे में बच्चों जानते हो, इसे हिंदी में कहते हैं घोंघा, है ना? अगर आपने इसको नहीं देखा है तो यू कैन सी दैट इट इज़ यही स्नेल है. ये क्या है? स्नेल है. तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि वो किस प्रकार से अपने बॉडी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करता है. लेट अस स्टार्ट. स्नेल इज़ वेरी स्लो मूविंग एनिमल विथ अ शेल ऑन इट्स बैक. यानी कि स्नेल जो होता है बहुत ही स्लोली मूव करता है और उसके शरीर पे शेल होता है, यानी एक खोला होता है शेल. द बॉडी ऑफ अ स्नेल इज सॉफ्ट एंड कंसिस्ट ऑफ हेड एंड फूट एंड ए शेल. इसकी बॉडी जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये तीन भागों में मिलकर बनी होती है, हेड वाला भाग, फुट वाला भाग और एक शेल, यानी कि जो ऊपर खोल है. The head of the snail has two pairs of tentacles for catching prey. यानी इसके शरीर हेड वाले भाग में दो टेंटिकल्स बने होते हैं जिनसे वो अपने शिकार को पकड़ता है. The larger pair of tentacles has little eyes. यानी इस टेंटिकल्स में लिटिल आइज भी होते हैं. Shell is the outer skeleton of snail, but it is not made of bones. Shell जो है स्नेल का आउटर स्केलेटन है लेकिन ये बोन्स का नहीं बना हुआ है. शेल कंटेन्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द स्नेल. और शेल के अंदर स्नेल के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. इन डेंजर्स यानी जब भी वो अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं, इन डेंजर कंडीशन द स्नेल विथड्रॉ इट्स हेड एंड फूट इनटू द शेल. यानी वो अपने शरीर और फूट हेड और फूट को शेल के अंदर घुसा लेते हैं, यानी उसके अंदर घुस जाते हैं और उनका कोई भी शिकार नहीं कर पाता है. नेक्स्ट, द स्नेल हैज़ ओनली वन फुट अंडर इट्स बॉडी. यानी उसके उनके शरीर में सिर्फ ओनली वन फुट होता है. द फुट ऑफ स्नेल इज़ लार्ज, फ्लैट एंड डिस्क शेप्ड. और ये फुट जो होता है बहुत ही लंबा होता है, फ्लैट होता है और डिस्क शेप की तरह होता है. विच इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड मस्कुलर फूट. जिसे कहा जाता है मस्कुलर फूट. ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट, द स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज डिस्क शेप्ड मस्कुलर फूट. तो बच्चों ये हमें पता चला कि स्नेल जो है वो अपने मस्कुलर फूट की सहायता से ही मूव करता है. दिस हैपन्स एज फॉलो. देर आर टू सेट ऑफ मसल्स इन द फूट ऑफ स्नेल्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड अल्टरनेटली. यानी उनके फुट मसल्स में भी ठीक वही काम होता है. यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन यानी एक्सपैंड होना, सिकुड़ना और फैलना. ये बारी बारी से सिकुड़ते फैलते रहते हैं और इसके कारण प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ वेव इफेक्ट फ्रॉम बैक टू फ्रंट. तो इस प्रकार स्नेल जो है अपनी बॉडी को मूव कराता है. ए सीरीज ऑफ वेव्स इन द मसल्स ऑफ फुट मेक द स्नेल मूव फॉरवर्ड. यानी लगातार उनके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं इसके कारण स्नेल जो है वो दैट कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, स्नेल आर गैस्ट्रोपोड्स. स्नेल आर गैस्ट्रोपोड्स विच मीन्स बेली फूटेड एनिमल्स. यानी इनको कहा जाता है बेली फूटेड एनिमल्स. द मूवमेंट ऑफ स्नेल इज कॉल्ड क्रीपिंग. और जो ये धीरे धीरे चलते हैं इनके मूवमेंट्स को क्या कहा जाता है बच्चों? क्रीपिंग. इन अ वे द मूवमेंट ऑफ स्नेल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थवर्म. ठीक वैसे ही अर्थवर्म की तरह ये धीरे धीरे चलते हैं. एंड अर्थवर्म हाउएवर मूव्स मच फास्टर देन द स्नेल. लेकिन फिर भी अर्थवर्म जो होते हैं वो स्नेल से अधिक फास्ट मूव करते हैं. ओके बच्चों, let me explain you in the figure. अब बच्चों देख सकते हो ये जो वाला भाग है घोंघा, देखिए ना आप लोग गांव में होता है खेतों में, ये वाले भाग को कहते हैं शेल. इनके हेड के ऊपर दो
और टेंटिकल्स बने होते हैं, ये टेंटिकल्स हैं और इसके अंत में छोर पे आईज बनी होती है, आँखें होती हैं, और इस टेंटिकल की सहायता से वो इंसेक्ट्स को भी कैच करते हैं। और ये है उनके, ये है उनका माउथ, देख रहे हो, ये है उनका माउथ वाला भाग, और ये है उनका बेली फुट, यानी कि ये उनका पेट भी है, उनका शरीर भी है, और ये उनका एक प्रकार से फुट भी है, जैसे हम लोग का पैर के तली के नीचे होता है। तो स्नेल जो है तीन पार्टों में डिवाइड होता है, इनकी बॉडी कंसिस्ट होती है हेड वाला भाग, फुट वाला भाग और शेल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका स्नेल के बारे में कि हाउ डू स्नेल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यानी कि इनके जो फुट मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर वो एक्सपैंड होकर जब वो फोर्स लगाते हैं तो वो आगे की तरफ मूव करते हैं। और बच्चों ये भी याद रखोगे कि अर्थवर्म्स इससे काफ़ी फास्टर मूव करता है, ये बहुत बहुत ही स्लोली मूव करता है, और इसके मूवमेंट्स को कहा जाता है क्रीपिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली, थैंक यू।